गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन बताया था, उसमें हमने सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया था। तो आज भी आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही करना है, बट हमें आज उस तरह से जमा के नहीं दिया है ना। आपको पहले वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर आपको उसको अरेंज करना है, देन आप उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टू टाइप्स के आज क्वेश्चंस लिए हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू, ऐड द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ कैसे लिखा है देखो, क्वेश्चन नंबर वन में लिखा है 8725 and 907। तो इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो पहले आपको इन्हें लिखना होगा जैसे मैं लिख रही हूँ। कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे 8725, देन आपको ये नीचे जो आपको ये लिखा हुआ है इसको आपको लिखना है। राइट साइड से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। आप ध्यान रखिए, इस तरह से आपको नहीं लिखना है, ये गलत तरीका है, इस तरह से आप नहीं लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे देखो, पहले आप लिखेंगे 7, वो भी कहाँ, 5 के जस्ट नीचे। एंड अब ये 0 लिखेंगे हम, 0 कहाँ लिखेंगे, जस्ट 2 के नीचे। एंड ये 9 लिखेंगे हम 7 के नीचे। मतलब आपको राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा, बट अगर आपने जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। राइट स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखो, यहाँ मैंने वही जैसा आपके बुक में दिया हुआ था पहले वाले क्वेश्चन में, वैसे ही मैंने यहाँ पे इसे अरेंज कर दिया है। अब आप इसे सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो मेरे साथ में ऐड कीजिए। कैसे ऐड करेंगे हम, वही राइट साइड से फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। राइट, आपने पहले भी एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन किए हैं तो हमें बस वही करना है। 5 and 7 को ऐड कीजिए, तो 5 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 12। अब 12 का 2 हम यहाँ नीचे लिखेंगे एंड 1 यहाँ आपका सेकेंड वाला कॉलम जो है वो कैरी कर लेगा। अब इस 1 एंड 2 को ऐड कीजिए, ये जो कैरी किया है इसने, मतलब ये इसमें ऐड होगा, तो 1 एंड 2 को ऐड कीजिए, 3, फिर 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा। किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो हमारा वही नंबर आता है। ओके, अब थर्ड वाला कॉलम हम ऐड करते हैं, 7 and 9। अब 7 and 9 कितना होता है स्टूडेंट्स, 7 and 9 होता है 16। तो मैं 16 का 6 यहाँ लिखूंगी एंड 1 हम लिखेंगे यहाँ ऊपर, तो ये यहाँ फोर्थ वाले कॉलम में कैरी हो गया है। अब कैरी हो गया इसका मतलब क्या होगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 8 में हम 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो आपका आंसर आया 9632। अब इसी तरह से आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन भी करना है, तो मेरे साथ कीजिए आप। देखो, पहले हम लिखेंगे 7685, ये मैंने लिख दिया 7685। अब आपको यहाँ पे इसे लिखना है, तो कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे हम राइट साइड से। तो पहले आप 8 लिखिए, देन 0, देन 1, देन 2 और प्लस साइन, और अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, यहाँ लिखा था ऐड द फॉलोइंग, तो यहाँ ऐड लिखा था इसलिए मैंने यहाँ प्लस साइन लगाया है, और यहाँ नीचे सब्ट्रैक्ट लिखा है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, तो इसलिए मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन साइन लगाऊंगी, माइनस साइन। राइट, बट ये हमारा एडिशन है तो आप पहले इसे ऐड कीजिए। तो वही हम राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 5 and 8 कितना होगा, 13। तो 13 का 3 मैंने यहाँ लिखा एंड 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। अब इसे आप ऐड कीजिए, तो 1 को हम ऐड में 8 करेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 and 0, 9 ही होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी नंबर में 0 को ऐड करो या 0 में किसी नंबर को ऐड करो, हमारा आंसर वही नंबर होता है। अब थर्ड वाले कॉलम को ऐड कीजिए आप, 6 and 1, 6 and 1 कितना होगा, 7। तो मैंने यहाँ 7 लिखा एंड अब लास्ट कॉलम है 7 and 2, 7 and 2 होगा आपका स्टूडेंट्स 9। तो आंसर इज 9793। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके जो 2 क्वेश्चंस और हैं वो आपको खुद से करने हैं। ओके, मैं आपको उसका पिक्चर सेंड कर दूंगी, तो आपको होमवर्क में वो फोटो एंड ये जो मैं करवा रही हूँ ये आपको मिल जाएगा। तो बस आपको इसी तरह से आपके नोटबुक में आगे 2 क्वेश्चन और ऐड करने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो जैसे मैंने इसमें अरेंज किया है वैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसे अरेंज करेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है, 840 फ्रॉम 3944। तो यहाँ लिखा है 840 फ्रॉम 3940 फ्रॉम 44। इसका मतलब है हमें इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। आपको अगर इस तरह की फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे। ये जस्ट इसका अपोजिट है। हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले नंबर को ऊपर लिखा था एंड लास्ट वाले नंबर को नीचे लिखा था। बट इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे एंड इधर वाले नंबर को बाद में लिखेंगे। आप चाहे तो एडिशन में ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही होगा, बट आप सब्ट्रैक्शन में ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, राइट? तो हम पहले ये नंबर लिखते हैं, 3944 मैंने यहाँ लिखा है। और अब लिखेंगे हम 840। तो कैसे लिखेंगे, वही जीरो से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये जीरो, देन फोर, देन 8। अब आप मेरे साथ में इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो राइट साइड से हम सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, 4 में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 4। फिर 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर होगा 0। किसी भी नंबर में से अगर किसी उसी नंबर को माइनस किया जाता है तो आंसर होता है 0। अब है थर्ड वाला कॉलम, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 1 होगा। अब यहाँ है 3 और नीचे कोई नंबर नहीं है तो 3 एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर आपका आया 3104। तो ये हो गया आपका आंसर। अब है सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, 2407 फ्रॉम 4817। तो 4817 हम यहाँ लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 2407 को। तो ये सब्ट्रैक्शन साइन और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको बस इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरे साथ साथ सब्ट्रैक्ट कीजिए। 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे, हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड से फर्स्ट कॉलम कौन सा है, यही वाला वंस वाला। तो 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर होगा 0। अब यहाँ लिखा है 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 1 होगा। फिर 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 4। एंड 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 2, राइट स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपका आंसर क्या आया, 2410। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से आपको इसके बचे हुए 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 2nd एंड क्वेश्चन नंबर 3rd कंप्लीट करवा दिया है। तो आपको आपकी जो नोटबुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों कंप्लीट करने हैं, राइट स्टूडेंट्स?